मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कल क्रिसमस था, अब क्रिसमस किए हैं। ओके, अब नाश्ता हुआ ये समझकर मैं आज क्लास शुरू करूँ। कल के क्लास में आप सभी देखे थे, क्या देखे थे? स्वादिष्ट भोजन कैसा है? हमारा देश बहुत बड़ा है, ये बड़ा देश में हर एक राज्य में हर एक लोग का व्यंजन और पकवान बनता है ना। अब सभी टेस्ट किए हैं कल कैसे बनाते हैं, कौन कौन से अच्छा दिखता है, कौन कौन टेस्ट, कौन से टेस्ट कौन कौन कैसे कैसा है, आप सभी देखे। आप घर में भी अपने माँ को पकवान करने के लिए भी कहा है। ओके, ऐसे ही तो अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भारतीय भोजन हुआ है। ऐसे ही हर एक धर्म का भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, धर्मों का लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे ही हम एक क्या एक ना दो ना तीन हर एक राज्य में, हर एक गांव में, हर एक धर्मों के ढेर सारे फेस्टिवल रहते हैं। अब उस फेस्टिवल में कौन कौन से फेस्टिवल बहुत जनप्रिय हुआ है, लोकप्रिय हुआ है, हम आज देखेंगे। ऐसे ही आप क्रिसमस कल बनाया था, वो क्रिश्चियन का है, खुद भी ये सभी लोग बनाते हैं। ये सो बहुत प्यारा दिखता है कुछ, है ना। ऐसे हम आज हमारे क्या है, हमारे त्योहार, हमारा देश कैसा है, ऐसा ही हमारा देश में कैसे कैसे त्योहार है। त्योहार मीन्स फेस्टिवल, अवर फेस्टिवल्स, अवर फेस्टिवल्स कैसे, चलो हम देखना है ना। हाँ, फेस्टिवल्स क्या है? देखो बहुत सारे फेस्टिवल है। हिंदुओं में हर एक महीने एक एक फेस्टिवल आता है, मुस्लिम में हर एक दो तीन महीने को एक एक आता है, और क्रिश्चियन में भी उनके भी हर एक महीने में हर एक फेस्टिवल हो, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल तो सब मनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? हिंदुओं में बहुत सारे फेस्टिवलों में दीपावली बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत मुख्य त्यौहार, क्योंकि ये त्यौहार हर कार्तिक मास के पहले आता है, है ना। ये फेस्टिवल मैक्सिमम मिनिमम 6 दिन होता, मैक्सिमम 8 दिन होता है। ये कौन सी? हिंदुओं में दीपावली। कौन सी है? दीपावली। दीपावली मीन्स दिवाली। ये दिवाली है ना, हर एक घर में मिनिमम 6 दिन होता है। पहला दिन पानी भरने का, दूसरा दिन दादा चतुर्दशी, तीसरा दिन बलिपाटन में दक्षिण पूजा, चौथे दिन बलिपाटन में, पांचवें दिन खैर, छठवें दिन अष्ट, ऐसा हिंदुओं में आता है। वो दिन प्रामुख्य ये 2 दिन तो जरूर मनाते हैं। ये दीपावली में सबका घर में चिराग लगाते हैं, सभी घर में ये अंधकार समाप्त करकर ये उजाला करने के लिए हर एक घर में दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली में नए कपड़े तेल लगाकर मंजन करते हैं, पर
बाद ये नया कपड़े पहनकर स्वीट वगैरह खाते हैं। ये होली के बहुत इम्पोर्टेंट मनाते हैं। ये खेतों बाड़ी में यूज करते हैं ना वो सब भी थिंग्स, वो सब सामानों को ये पूजा करते हैं। और एनिमल्स गाय कौ ये सभी को ये क्या करते हैं पानी लाकर रंग लगाते हैं। रंग लगाकर ये सभी पूजा करते हैं, पूजा के फसलों को भी पूजा करते हैं। ये सभी ये हर एक दिन का रेखो ये पार्ट से बलि पाड़े भी वो दिन में दीपावली में मनाते हैं। ये बलिंद्र का पूजा करते हैं। ये बलिंद्र ये दीपावली में आकर सबको देखता है, ये समझकर ये दिवाली मनाते हैं। दिवाली हर एक घर में बच्चे आगे लगकर नया कपड़ा पहनकर ये पटाखा फोड़ता है। ये दीपावली में लक्ष्मी पूजा के बाद ये अरे बच्चे बड़ों सभी ये पटाखे उड़ाते हैं। ये और स्वीट हर एक घर में ये जाकर देते हैं। ये दीपावली का एक विशेषता। ऐसे ही होली, होली होली को पता है, होली हर साल कब आता है? होली ये श्रावण मास के आगे आता है। ये होली होली में ही मनाते हैं, फुल मून के दिन ये मनाते हैं। ये लगभग ये तीन और चार दिन मनाते हैं। ये भारत के हर एक राज्य में हर एक कोने कोने में ये होली छोटे बड़े ना समझकर और धर्म का ना समझकर हर एक धर्म हर एक जाति का ये लोग ये होली मनाते हैं। होली का मुख्य कारण ये रंग लगाकर जीवन रंगीली बना देते हैं। छोटे बच्चे से लेकर और हर एक एक शहर में ये मटका पूरी खेलते हैं, रंग उड़ाते हैं और गाने मंजन करके ये नए कपड़े पहनकर स्वीट वगैरह खाते हैं। ये होली का तीन दिन पहला दिन ये होली के जलाते हैं, दूसरा दिन रंग उड़ाते हैं। ये होली हर एक राज्य में भी भारत के हर एक राज्य में ये मनाते हैं। ऐसे ही क्रिसमस, कौन सी है क्रिसमस? होली, दीपावली और क्रिसमस। क्रिसमस एक क्रिश्चियन का बहुत बड़ा त्यौहार है। एक क्रिश्चियन क्रिश्चियन ने सभी फेस्टिवल के छोड़कर ये बहुत प्रामुख्य देकर ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। ये क्रिश्चियन के क्रिश्चियन ये यीशु बर्थडे होता है। ये यीशु माँ के लिए प्रेयर करते हैं, अपने सुख दुख के और सुख यीशु के साथ बातचीत करते हैं और ये नए कपड़े पहनकर और ये स्वीट वगैरह खाकर ये चर्च में जाकर ये प्रेयर करते हैं। प्रेयर करके ये ईद ये फेस्टिवल बहुत सुंदरता से ये मनाते हैं। केक फ्रूट सभी लेते हैं। सैंटा क्लॉज का ये प्रमुख्य बहुत मुख्य है। ओके नेक्स्ट है दशहरा। ये दशहरा गौरी गणेश है। सितंबर में ना तो अक्टूबर में दशहरा आता है। ये दशहरा मिनिमम 10 days रहता है। नवरात्रि के रूप में ये मनाते हैं। ये राक्षस को सम्मान करने के लिए ये देवी माँ ने 9 अवतार के रूप में पूजा करकर अंतिम दिन में ये सम्मान करते हैं। ये पहला दिन एक रूप में, दूसरा दिन तीसरा दूसरा चौथे पांचवे छठवें सातवें आठवें नौ नवमी के दिन ये राक्षस का सम्मान करते हैं। ये
मैसूर कर्नाटक के मैसूर में बहुत उत्सव से होते हैं। ये नाड़ा हवा के रूप में ये मनाते हैं। दशहरा हिंदुओं के लिए बहुत प्रमुख है। ऐसे ही पोंगल, पोंगल ये तमिलनाडु के बहुत प्रमुख त्योहार है। ये पोंगल के दिन एक सी पोंगल और खारा पोंगल दो रूप में मनाते हैं। ये रंगोली सभी चलाते हैं। रंगोली का स्पर्धा रहता है। वो ये है ना, ये वो भीड़ में जाकर ये महिलाएं ये पोंगल गुड़ डालकर ये पोंगल मनाते हैं। बहुत तो वो खुशी से ये नया कपड़ा पहनकर वो हर एक युवती होती है वहाँ नृत्य के रूप में ये पोंगल बनाकर गाय का पूजा करते हैं। ये पोंगल का त्यौहार इसका पकवान में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गाँव के पोंगल ही रहते हैं। ये खाना और दाल मिक्स करकर ये पोंगल मनाते हैं। ऐसे ये रक्षाबंधन, रक्षाबंधन राम की कहीं रक्षाबंधन के रूप में रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन है ये भाइयों का, भाइयों को ये बहना ये राखी बनने का है। ये रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए भाइयों की रक्षा बहनाई करना है, बहनाई की रक्षा भाई करने का है। ये रक्षाबंधन है। ये बहुत पुराना संबंध रहता है। भाई को और बहन राखी बनना है। भाई उसे उपहार के रूप में कुछ भेज देते हैं। ये माँ कर ये नया कपड़ा पहनते हैं और घर में स्वीट वगैरह खाकर बच्चे खुश से मनाते हैं। ओके, ये ओणम, ओणम मीन्स ओणम केरल के बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। ये 10 दिन मनाते हैं। ये 10 दिन में हर एक दिन हर एक रूप में मनाते हैं। ये उन्नति योगियों के बहुत प्राप्त के हैं। बलिंद्र के, बलिंद्र महाराज के आगमन के सूचन के लिए ये मनाते हैं। ये दूध के पकवान बहुत ही प्राप्त के हैं। ये दूध के पकवान में आटा रहा टाइप के व्यंजन मनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। रंगोली फूलों में मनाकर सोमवार के स्वागत के लिए मनाते हैं। ये सरकार भी इसे मान्यता देकर ये ओणम बहुत प्रामुख्य के रूप में ये ओणम की केरल में ये मनाते हैं। ओके चित्र साहब, ये और ढेर सारे त्यौहार है। इसमें आपको केवल 6 और 7 त्योहारों के बारे में मैं बता रही हूँ। ओके, ये इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। ऐसे ही सभी बहुत सारे हैं लेकिन ये तो इम्पॉर्टेंट है। कन्नड़ में एक बार बोल रहे हैं दीपावली मकड़े अबोगड़ा सुमार है अरे किलो अबोगड़ा में के नाम मात्र नहीं कर सकते। दीपावली क्या मेरी मामा ने अंधेरे दिन दिन आते ये आपको देने बहुत मुख्यवादी ये नरक चतुर्दशी रहते लक्ष्मी पूजे रहते हमारे गो पूजे रहते हमारे ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತಾರೆ, ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಲಿಂದ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಗೋ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಸಲುಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದನ ಕರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಸಿ ಕೋಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಹಸುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದುಷ್ಮನ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೋಳಿ. ಹೋಳಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಪಾತಿ
ನೋಡಿದೆ ಹೋಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೋಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ದಹ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸೋದು, ಎರಡನೇ ದಹನ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರಂಗುಭರಿತವಾಗಿರಲಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿರಲಿ ಹರಿಸ್ತಾ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣೆ ಅಂತಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಸರಾ. ದಸರಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಈ ದಸರಾವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಸರಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಿಯು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಿಂದ ಸಂಹಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವಳು ಅವತಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದಸರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಂಗಲು. ಪೊಂಗಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬ. ಈ ಪೊಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೀಳಲಿದ್ದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಸು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತಮಿಳರಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಇದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಒಂದು ಉಡುಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದುಡ್ಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಓಣಂ. ಓಣಂ ಕೇರಳದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಹೂವಿನಿಂದ ರಂಗೋಲಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರುಹದರಿಗೆ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಇವಾಗ ಯುವತಿಯರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಹಾಡು ನೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಬ್ಬಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಬ್ಬಗಳಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳ ಪರಿಚಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನೋತಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೇ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.